खत्म नहीं होती। पूरे पंजाब और अगर कहें तो पूरे भारत में एक ऐसा कॉलेज जहां नकल बिल्कुल नहीं होती। 21,000 का इनाम उसके लिए जो नकल करते बच्चे को पकड़वाए। इसलिए इनाम पाने की दौड़ में नकल पीछे छूट गई। देशभक्ति की नींव और अनुशासन की चार दीवारी के अंदर पनपे इस कॉलेज के बच्चे चौकीदार से लेकर अध्यापक तक का रोल अदा करते हैं। इन्हीं रोल्स को अदा करने के लिए आज बच्चे कोसों मील तय करके यहां पहुंच रहे हैं। मेरे देश का सलाम, मेरे देश का सलाम, मेरे देश का सलाम, बच्चे के बिछड़ने की तड़प माँ का क्या हाल करती है इसका अंदाजा मीनू को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। दिल्ली के नामी गिरामी अस्पताल में जन्मे प्रीतम को जन्म के कुछ घंटों बाद ही अस्पताल से चुरा लिया गया। पति दीपक हर जगह से निराश होकर ही लौटता, हिम्मत बंधाने की कोशिश करता, मगर मीनू के सब्र का बांध तो जैसे टूट चुका था। डेढ़ महीने बाद अपने ससुर जी के कहने पर दीपक पहुंचा निर्मला शर्मा के पास, जो शायद उम्मीद की आखिरी लौ थी दीपक के लिए। दीपक की बात सुन निर्मला ने एक फाइल तैयार की और वकीलों के पास जा पहुंची। निर्मला जी ने मेहनत की तो वकीलों ने भी साथ दिया। कोर्ट के आदेश के 20 घंटे बाद ही बच्चा मां की गोद में वापस आ चुका था। मेरे मन में माताजी के लिए सिर्फ यही विचार आ रहा था कि मेरे मुसीबत के समय मेरे लिए वो भगवान बन के आए हैं और उन्होंने जो किया है मैं ता जिंदगी कभी भूल नहीं सकता उसको। काफी अच्छी है, हमारी काफी सहायता करी और जो है खोया हुआ बेटा भी मिलवाया उन्होंने। वैसे भी नेचर वाइज भी काफी हेल्पफुल है, सबकी मतलब मदद भी करती हैं काफी। आज अखबारों में निर्मला शर्मा की चर्चे हैं और उससे भी बढ़कर बात है कि निर्मला की एक आवाज पर लोग उसके साथ उठ खड़े होते हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों या बच्चों से, झुग्गी झोपड़ी में बसे लोगों से जुड़े मुद्दे हों या फिर रोजगार छिन जाने के डर से सहमे लोगों के मुद्दे, हर मुद्दे का हल निर्मला शर्मा हैं। इन्होंने तो हमारे साथ बहुत संघर्ष किया है जी, 1997 से हमारे को बसाया, 12-13 साल हो गए हमारे को। डीडीए वालों ने हमारे तोड़ फोड़ के फेंक दिया, पुलिस ने डंडे मारे, हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है। हम लोग अब थोड़ा सा शांति से बैठे हैं, बहन जी के सहयोग से बैठे हुए हैं, नहीं तो हमें इधर कोई बैठने नहीं देता। बहन जी ने जो योगदान हमारे मार्केट के लिए किया है वो कोई नेता कोई एमपी एमएलए नहीं कर सकता। पति के जाने का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि जवान बेटा भी चल बसा। दिल के अंदर क्या दर्द छुपा है किसी को न जाहिर होने की कसम खाई है इस औरत ने। आज परिवार में फिर से खुशी आ जाए यही कोशिश है निर्मला की।